एक बार मैं हरिद्वार गया था और एक सत्संगी के साथ में इंदौर के थे, बातचीत चल रही थी रात को, क्या काम करते हो क्या करते, क्योंकि घड़ियों की दुकान है एम जी रोड पे, इंदौर में जो मेन रोड जैसे यहाँ पे एस जी रोड समझ लीजिए। तो मैंने कहा कितनी बजे दुकान बंद करते हो? रात को 10 बजे। 10 बजे कोई घड़ी खरीदने आ जाएगा रात को? आता तो नहीं, 8 बजे के बाद तो कोई नहीं आता है। तो फिर 10 बजे क्यों करें बंद करते दुकान? बोले पूरा मार्केट खुला रहता तो हम भी बैठे। तो हमारा पागलपन यही है कि सब लोग बैठे तो हम भी बैठे। तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम बंद करो, जाओ घर, 8 घंटे काम कर लिया बहुत है, 8 घंटे 9 घंटे कितना काम करेगा आदमी। तो कृष्ण ये 5000 साल पहले बता रहे, यथा योग युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मस्य। फिर बोलते हैं युक्त स्वप्नाव बोधस्य, स्वप्नाव बोधस्य निद्रा, यथा योग नींद ले, 7 से 8 घंटे नींद एक एवरेज व्यक्ति को पर्याप्त है। और हर व्यक्ति की तो बिल्कुल मोदी जी 4 घंटे सोते हुए गलत बात है, पॉलिटिशियंस की बात, किस कुछ लोगों को भगवान को काम करवाना चाहता है इसलिए लोग भी नींद कर रहे हैं। मुझे भी किसी एक पॉलिटिशियन के साथ कुछ लंबा 1-1.5 महीना लगातार साथ रहने का मिला मौका, तो उनको भी मैं देखता विधायक के वहाँ उद्यान सुनते था, कहीं गए थे हम 15 दिन साथ में गए, तो वो 4-5 घंटे सोता था काम हो जाता था, और मेरा 7 घंटे के पहले काम ही नहीं होता था। तो वो भगवान उनसे वो काम कराना चाहते शायद, इसीलिए उनको उनकी नींद कम होती। पर एक एवरेज जो बात करते हैं हम, जो भगवान ने गीता में बताया है, वो है 7 से 8 घंटे की निद्रा होना यथा योग, उनके लिए यथा योग है, वो है हमारे लिए। हर व्यक्ति का थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहता है, एक स्लीप साइकिल रहती है, अंदर एक क्लॉक रहती है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो फिक्स टाइम पे सुलाती है, फिक्स टाइम पे उठाती है। पर हम ही हैं कि कोई घर में आप आ गए, मेहमान आ गए, अब 10 बजे हमारा सोने का टाइम है, मालूम पड़ा नहीं है मेहमानों को बुरा लगेगा, बैठे हैं 12 बजे तक, तमदी साहब आ गए तो बैठे हैं 11 बजे तक 12 बजे तक। तो यथा योग नहीं, युक्ताहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस योगो भवति। योग करना चाहिए जो दुखों का नाशक है। पूरी जीवन शैली भगवान ने बता दी। इसको अपन और शॉर्ट समराइज करें तो बोलते हैं तनाव रहित मन, तेल रहित भोजन और तेज भ्रमण, ये 3 चीजों पे अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम हृदय रोग के हम अनेक रोगों से बच सकते हैं, और रोग आएंगे भी तो हमें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर की प्रकृति है, शरीर का प्रारब्ध, कुछ रोग प्रारब्ध से भी आते हैं उनको हम बदल नहीं सकते, प्रारब्ध जींस को हम बदल नहीं सकते, परंतु वो फिर हमें इतना परेशान नहीं करेंगे, हम उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे। तो तनाव रहित मन, तेज भ्रमण, तेल रहित भोजन। तो पहली चीज आती है तनाव रहे मन, उसी के लिए हम रोज यहां आते हैं। अब इस आध्यात्मिक विद्या को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें तो यहाँ पे देखो दो काम कराए जाते हैं, एक बोलते हैं बाबा के कमरे में बैठो, दूसरा बोलते हैं उठिए सुनो। एक है निराकार शिव से कनेक्शन, उससे योग, जब तक उससे योग नहीं हुआ है तब तक हमारे जीवन में समता समत्व जो बात करते हैं ना, सबको भाई भाई समझो, इवन भाई बहन भी नहीं, सबको भाई भाई समझो, सबको आत्मा समझो, वो तभी समझ पाएंगे जब हमारा निराकार शिव परमात्मा से भगवान से योग का कनेक्शन, उससे हमारे संबंध। और दूसरा होता है मुरली, ये हमें सिखाती है संसार से कैसे समझ, हमारा कर्म कैसा हो, नियम क्या है कर्म का। इसको बिल्कुल शॉर्ट में याद रखने के हिसाब से मैंने अपना फॉर्मूला बताया, जैसे ये परमात्मा का प्रतीक है, एक निराकार है, सदा है, सृष्टि के पहले से, और ये 4 चीजें संसार का प्रतीक है, तन मन धन जन, तन शरीर ये संसार का हिस्सा है, मन ये भी संसार है, मन ही माया है, माया हमारे मन को प्रभावित करती है, वहां काम करती है, तन मन धन प्रॉपर्टीज।
कैश प्रॉपर्टीज मकान जन जिन लोगों के हमारा खुद का परिवार और हमारा ससुराल पक्ष का दो परिवारों के बीच में हमारा जीवन चलता है, ये हमारा संसार। तो एक तरीका हमें सिखाता है उस बाबा से, और यहाँ बीच में खड़े हैं हम जीवात्मा, हमारा दोनों तरफ से संबंध है, संसार से भी संबंध है और परमात्मा से भी संबंध है। फर्क यह है कि हम परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है उसको हम भूल गए और हम सिर्फ सांसारिक संबंधों को ही सत्य मानकर चलते हैं, इसीलिए वहीं से सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कभी खाने भोजन में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी सोने में ढूंढ रहे हैं, कभी टीवी में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी मकान बनाने में सुख ढूंढ रहे हैं, कभी जो है धन कमाने में सुख ढूंढ रहे हैं। मनोरंजन मनी मान सम्मान ये केवल तीन चीजें संसार में, इन्हीं में हम सुख तलाशते रहते हैं। वो कहते भी हैं कि प्रभु से भूलिया व्यापन सभी रोग, जैसे ही हम उसको भगवान को भूले कि हमें सब रोगों ने घेर लिया है। इसको जो है किसी शास्त्र ने मेले के दृष्टांत से समझाया कि जैसे मेले लगते हैं, यहाँ पे भी लगते हैं, हर शहर में लगते हैं, और वो मेले में जो है एक डिपार्टमेंट होता है जो खोए हुए व्यक्तियों को ढूंढता है। अब मेले में बच्चा घूम गया, अब वो उस डिपार्टमेंट के लोगों ने जो सेवा दल के लोग हैं उन्होंने उस बच्चे को बिठा लिया अपने ऑफिस में, बैठ तेरे माता पिता को ढूंढते हैं, ढूंढ के लाते हैं, पर बच्चा है रोए जाए, और बच्चा है वो तो चुप ही नहीं हो, और वो बहुत समझाने की कोशिश करें, और सेवा दल के लोग समझेंगे। तो सेवा दल के लोगों ने आके लॉलीपॉप दे दिया, लॉलीपॉप देख के बच्चा खुश हो गया। थोड़ी देर बाद फिर उसने कुछ रोना चालू किया तो उसने कोई दूसरी जो है टॉफी ला के दे दी, ऐसे दो तीन टॉफियां दी और बच्चा उसने मस्त हो गया। अब वो सेवा दल का व्यक्ति भी आलसी था, बच्चा खेल रहा है मजे कर रहा है, कौन ढूंढने जाए ऐसे माँ बाप को, अपन भी सुझाओ। तो हमारी हालत जो सेवा देता है वो हमारा मन है, हमारा मन जब देखता है कि हम सब इस संसार के खेल में मस्त हैं, तो कौन ढूंढने जाए उस परम पिता को, कौन ढूंढने जाए उस निराकार को, दिखता है नहीं, लोग सब बोलते रहते हैं दूसरे कनेक्शन करो, दिखता तो है नहीं। मजा यहाँ आ रहा है, बोले जुड़ो उससे। बिल्कुल ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मुझे कम से कम 10 साल लगे इस बात को समझने में कि ये लोग सब बोल रहे हैं मेरे मजा तो रोज मजा इसमें आ रहा है, घूमने फिरने में आ रहा है, खाना खाने में आ रहा है, रोने में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, बोले जुड़ो उससे। जब तक उस बोलते ये रस नहीं आए तब तक ये रस, फिर एक गुरु एक जो है ये संपर्क में आया, उन्होंने काफ़ी मेरे उनके संपर्क में काफ़ी देर आया, मुझे एक मत पर अपने कृष्ण भगवान का मंत्र दिया और उसका मैंने काम चालू किया। 3-3 बजे उठ के मैं जाऊँ करता, काफ़ी वर्षों तक किया, जवानी कर लेता था आप तो संभव नहीं। वो करते करते मुझे एक दिन अचानक अनुभव हुआ कि वास्तविक मज़ा तो इसमें आ रहा है, वो तो झूठा मज़ा है। तो जब तक ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जहां अभी हम सुख तलाश रहे हैं वो झूठा है, वो वास्तविक मजा नहीं है, वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर का है। हम भोजन कितनी देर करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट, तो उसके बाद तो केवल बातें रहती है, जलेबी बड़ी अच्छी अच्छा आगरे बैठा बहुत अच्छा था, आगरे अगली बार जाओ मेरे लिए, सिर्फ बातों में ही रस लेते। एक्चुअल जो हमने जो उस वस्तु का हमारी जबान के साथ संपर्क हुआ केवल 1 मिनट भी, आप कितनी देर चुप करते हो और उसको थोड़ा अंदर चाय निकाल के देखो, वही जलेबी वही रसगुल्ला आप निकाल के देखो। तो जिस दिन ये चीज समझ में आ गई कि मजा वहां नहीं है, वास्तविक मजा तो यहाँ है, उस दिन आपका छूटता जाता है। और जैसे ही वो मजा छूटा कि आप सब रोगों से भी, शारीरिक रोगों से भी मुक्त हो जाते हैं और मानसिक व्याधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। इसको मानस रोग ही कहा है तुलसीदास जी ने, काम क्रोध लोभ ये मानस रोग है।